मेरे मुंह मतलब के चल, काम कर तू, सो जा मुंह ढक के ना, दिखता रहेगा तो चुपता रहेगा। यहाँ पे तू कौन भाई? मैं भैया अविनाश। सत्यानाश मतलब की लेवल का बंदा है वो, ठीक है, और वो टक्कर का बंदा भी है, अगर जो जीरो से स्टार्ट करा हुआ और जो आज लेवल पे पहुंचा भाई। एक काम कर तू पर्दे के नीचे जाके बैठ, मूवी नहीं दिखना चाहिए तेरा, दिखता रहेगा तो चुपता रहेगा। अब तक ये है कि बाहर होता था ज्यादा, तुम कुछ भी कर दो, 10 गाली सुना देता उसे। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर आज वाले व्लॉग में आप लोग देखोगे, मतलब आज व्लॉग नहीं है, आज एक मतलब की सपोर्टिंग वीडियो है जो कि एलविस यादव के ऊपर है, जो कि आप लोगों को पता ही है एलविस यादव बिग बॉस में जा चुका है। तो आज मैंने भी थोड़ा ऐसे ट्राई करा, जैसे बिग बॉस में रहते हैं ना, तो ये बैग टांग लिया मैंने भी, तो मैं भी थोड़ा ऐसे लग रहा हूँ कि घर के अंदर ही हूँ मैं भी, तो मतलब मैं भी घर के अंदर, अपने घर के अंदर, तो ऐसा लग रहा है मतलब बिग बॉस के घर के अंदर हूँ। तो कुछ भी मान सकते हैं क्योंकि अपना अपना सेंस होता है सबका समझने का। तो बाकी फिर मैं आज आप लोगों की बात करूँगा, जो बिग बॉस के अंदर सीन चल रहा है, जो मतलब कि क्रिएट कर रहे हैं, जो क्या कर रहा है, तो उसके ऊपर आज बात करेंगे। और जो बात है वो है मतलब कि एलविस यादव के ऊपर है, क्योंकि एलविस यादव जो है वो अपनी कम्युनिटी का, यूट्यूब कम्युनिटी का, तो फिर फुल सपोर्ट है उसको। और बाकी जितने भी अभी वीडियो देख रहे होंगे तो आधे से ज़्यादा मतलब कि एलविस यादव को सपोर्ट कर रहे होंगे जहाँ तक मेरे को पता है। तो बाकी मतलब ये है कि अभी तक एलविस यादव जीत रहा है, तो अभी तक एलविस यादव मतलब कि नॉमिनेट हो चुका है, वो भी 2 दिन के अंदर अंदर, तो फिर वोट तो देखो सबने दे दिए होंगे अब तक। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं, और आज की वीडियो में मतलब कि मेन टॉपिक जो रहेगा वो बिग बॉस के ऊपर रहेगा, और बिग बॉस के मतलब कि ये है कि दो जो कंटेस्टेंट हैं उनके ऊपर मतलब कि मेन ध्यान रहेगा ज़्यादा, जो कि है एलविस यादव और दूसरा है ये जो कि आप लोगों के सामने स्क्रीन में दिख रहा है। तो फिर बाकी करते हैं वीडियो शुरू, और ज़्यादा बड़ी लंबी वीडियो नहीं है। तो फिर चैनल में जितने भी नए लोग हैं तो लाइक जरूर करना, और इस वीडियो को शेयर भी कर दो, क्योंकि फुल वो है सपोर्टिंग वीडियो है एलविस यादव के ऊपर, तो पूरा सपोर्ट है। तो बाकी मतलब कि एक बार मेरी बात सुन लो, मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, आप लोगों को सुनकर मतलब काफ़ी मजा आएगा। तू कौन भाई? मैं भैया अविनाश। सत्यानाश? नहीं नहीं सत्यानाश नहीं, ये वो आ गया बेवकूफ बच्चा आ गया ये। ठीक 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 बेवकूफ का बच्चा क्या होता? तुम होते हो। देख मेरी बात सुन, चुपचाप ना वहाँ जाके बैठ जा, मुझे अपनी सबासी का ना प्रमाण मत दे यहाँ पे, ठीक है? चुपचाप वहाँ जाके बैठ। एक काम कर तू पर्दे के पीछे जाके बैठ, मूवी नहीं दिखना चाहिए तेरा, दिखता रहेगा तो चुपता रहेगा। आ गया था परेशान करने बेवकूफ को बच्चा। तो अभी आप लोगों ने देखा था मतलब क्या सीन हुआ था, बेवकूफ को बच्चा आ गया था परेशान करने, मैं कुछ बात बता रहा था इंपॉर्टेंट, तो वो बीच में घुस गया था, तो उसको मैंने भेज दिया जरा पर्दे के पीछे, मैंने चुपचाप वहाँ जाके बैठ, दिखना नहीं चाहिए, अगर दिखता रहेगा तो चुपता रहेगा, जो कि एलविस यादव का डायलॉग था। तो फिर वही डायलॉग मैंने थोड़ा बहुत अपना यहाँ पे आप लोग क्रिएट करके दिखाया थोड़ा बहुत, तो कैसा लगा आप लोगों को बताना। तो फिलहाल शुरू करते हैं कि मतलब कि एलविस यादव को नॉमिनेट क्यों करा, क्योंकि जो मतलब कि वहाँ के जो सीनियर लोग हैं, जो कि मतलब कि दूसरी साइड के, मतलब कि जो एलविस यादव है वो एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स है और जो बाकी है वो अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, तो मतलब कि वो लोग सोच रहे हैं कि मतलब कि जो ये एलविस यादव बंदा है कि ये है क्या चीज़, ठीक है? तो और बाकी वो सोच रहे हैं कि हम लोग मतलब कि सेलिब्रिटी है, ये वो है, तो और एलविस यादव मतलब कुछ नहीं समझ रहे, तो मतलब ये है कि उसको ना मतलब नीचा दिखाना चाह रहे कि तू कुछ नहीं है, ये वो ऐसा वैसा, कि हम बहुत कुछ हैं, ठीक है? पर ये नहीं पता कि जो बंदा जीरो से खड़े उठ के आगे पहुँचता है ना 100 तक, वही बंदे की आज के टाइम पर मतलब कि लेवल का बंदा है वो, ठीक है? और वो टक्कर का बंदा भी है, अगर जो जीरो से स्टार्ट करा हुआ और जो आज लेवल पर पहुँचा भाई, तो उस बंदे मतलब बहुत दम है, ठीक है? और मतलब कि फैन तो देखो सबके होते हैं, पर मैं फैन नहीं बोलूँगा, मैं ऐसे बोलूँगा कि मतलब कि मैं एलविस यादव का छोटा भाई हूँ, तो फिर छोटे भाई की तरफ से मतलब कि एक फुल सपोर्टिंग वीडियो बन रही है, जो कि आप लोग देख ही रहे हो। बिग बॉस के अंदर ये चल रहा है कि मतलब कि जो बंदा मतलब वो है फिल्म लाइन से, ठीक है, तो वो मतलब कि सेलिब्रिटी है, ठीक है? तो और जो मतलब कि खुद ग्राउंड से उठ के आया हुआ, कोई गाँव से आया हुआ, ठीक है, एलविस यादव कहाँ से आया, गाँव से उठ के आया हुआ, और एक बड़े ऐसे प्लेटफॉर्म में आज के टाइम पर जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है पूरा, तो बाकी अच्छा लगता है, क्योंकि यूट्यूब कम्युनिटी का भी है ना, तो फिर मतलब अच्छा लगता है। और आप लोगों को बताइए मतलब कि कौन जीतेगा बिग बॉस OTT की ट्रॉफी, तो फिर कमेंट में बताना। बाकी फिर अगर बात करें कि मतलब कि जो मतलब वहाँ पे 3 ही है लोग जो फिर एलविस यादव को मतलब सपोर्ट नहीं कर रहे, बाकी सारे हैं तो मतलब कि लगभग सपोर्ट कर रहे हैं, 30-20% है जो सपोर्ट नहीं कर रहे, बाकी तो सपोर्ट सारे के सारे कर ही रहे हैं। तो फिर आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हो ये भी बताना जरा, कि इस तरफ हो या उस तरफ हो, क्योंकि आप लोगों को पता है बिग बॉस में 2 ग्रुप बन चुके हैं, तो आप लोगों को मतलब किस पे सपोर्ट कर रहे हो ज़्यादा, तो बताना। मैं कर रहा हूँ एलविस यादव पे, मतलब सिस्टम पे सपोर्ट कर रहा हूँ पूरा सिस्टम। फिर आप लोग बताना कि आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हो, और कौन जीतेगा, एलविस यादव जीतेगा या अविनाश जीतेगा, मतलब कि दोनों के जो बीच में फाइट चल रही है, मतलब कभी भी स्टार्ट हो जा रही है, कभी बर्तन को धोने के लिए, कभी कुछ, जैसे आप लोगों ने परस वाले भी देखा होगा कि सारे प्लेट ही मारो उल्टी फेंक के, मतलब काफ़ी खतरनाक सीन था यार। बस सही बात है यार, जब वो बंदा कुछ काम कर रहा है, ठीक है, और फिर वहाँ छेड़ रहा हो पीछे से आके, तो बंदे के मुँह से ऐसी चीज़ें निकलेगी, वो तो ये है कि एलविस यादव ने कंट्रोल करा हुआ। अब तक ये है कि बाहर होता था एलविस यादव तो कुछ भी कर दो, 10 गाली सुना देता उसे, तो फिर बाकी वहाँ पे जो बिग बॉस की कंडीशन होती है, टर्म एंड कंडीशन, तो वो पूरा रूल को फॉलो करते हुए चल रहा है भाई। तो बाकी अगर यही है, अगर बाहर होता तो अब तक 10 गाली क्या 20 गाली दे देता हो, पर अभी तक मतलब वो शांत। बस यही देखना है, जो मतलब कि एलविस यादव और अविनाश की फाइट चल रही है, वो मतलब कब तक चलेगी और मतलब कितने दिनों तक चलेगी,
लास्ट में मतलब ये देखते कि ये दोनों दोस्त बनेंगे कि नहीं बनेंगे, क्या लगता है आप लोगों को दोस्त बनेंगे? मुझे तो नहीं लगता कि मतलब दोस्त बनेंगे, मुझे तो लगता है मतलब दुश्मन भी नहीं बनेंगे, ऐसा भी नहीं है दुश्मन भी नहीं बनेंगे, पर ये है कि ऐसा भी नहीं कि दोस्त बनेंगे, क्योंकि इस तरह अविनाश के उसमें अलविश के ऊपर मतलब की बातें और हरकतें कर रहा ना, तो फिर मुझे नहीं लगता दोस्त बनेंगे। पर फिलहाल आपका क्या ओपिनियन है ये बताना, मतलब कि जो यूट्यूब के है ना, यूट्यूब के दो बंदे जा रखे हैं, एक फुकरा इंसान पहले चला गया था और जो दूसरा है वो है अलविश यादव, तो फिर आप लोगों को क्या लगता है कि कौन जीतता है? पर मेरे को लगता है कि इस बार जो ट्रॉफी मिलेगी ना वो मिलेगी यूट्यूब कम्युनिटी को मिलेगी, कोई यूट्यूब का बंदा ही जीतेगा, चाहे फुकरा इंसान जीते या अलविश यादव जीते, कोई भी जीते, पर जीतेगा अपना यूट्यूब का ही कोई। पर मतलब देखो सपोर्ट तो कोई एक को ही रहता है, तो मेरा सपोर्ट तो देखो सिस्टम पर ही है, ठीक है, तो सिस्टम ही अपना सिस्टम रहेगा बढ़िया करके, और सिस्टम अभी बिग बॉस के अंदर काफी तगड़ा मचा रहा है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा हमारा तो सिस्टम है भाई, हम तो सिस्टम मचा रहे, करोगे हमारा तो सिस्टम, और काफी खतरनाक खतरनाक डायलॉग देखने को मिल रहा है एलविश यादव की तरफ से, और जो सामने वाला बंदा है वो पोग भी बहुत जल्दी हो रहा है, और मतलब कि खतरनाक तरीके से पोग हो रहा है। तो एलविश यादव का भी कल वाले सीजन में, कल वाला एपिसोड देखा मैंने, तो उसमें कैप्टन ही बना दिया है, और कैप्टन बनाया था तो फिर जो वो ही था जिससे बहस हुई थी, तो फिर बाकी उस बंदे ने क्या करा, मतलब कि कमांड नहीं मानी एलविश यादव की, क्योंकि एलविश यादव एक वो बन गया ना कैप्टन बन गया, और मतलब कि ये बिग बॉस के अंदर टास्क होता है जैसे सबको पता है, तो फिर उसके मतलब मुताबिक मतलब कि ये है कि एलविश यादव किसी को भी कुछ भी टास्क दे सकता है, कुछ भी काम दे सकता है, तो उसे करना ही पड़ेगा, तो बाकी उसने मना कर दिया। अब देखते हैं मतलब कि आगे वाले सीजन में, मतलब आगे वाले एपिसोड में क्या चलेगा और क्या नहीं चलेगा, मतलब देखने में काफ़ी मजा आ रहा है। यादव को सपोर्ट करना है और जिताना है, जैसे आप लोगों को पता ही है कि जैसे एलविश यादव जीतेगा तो 1001 गाड़ियों का काफिला जाएगा, और जाएगा वो मुझे पता है, जाएगा ही जाएगा वो, तो फिर मतलब वो सीन भी काफ़ी देखने में मजा भी आ जाएगा। तो फिलहाल तो अभी ये करते हैं, मतलब कि बिग बॉस OTT देखते हैं, इन्जॉय करते हैं, और आप लोग बताना आप लोगों को क्या क्या सीन उसमें अच्छे लगते हैं, तो फिर मिलते हैं जल्दी कल और एक नए सिस्टम के साथ।